अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में भी आएगा और जो भी कंफ्यूजन है वो इंशाल्लाह रिमूव हो जाएगा। ठीक है, सॉर्ट आउट करेंगे आप लोगों की प्रॉब्लम कि आप लोगों को किस तरीके से इंग्लिश कैलीग्राफी में प्रॉब्लम हो रही है। सबसे पहले तो बेटा आप ग्राफ बनाना सीखेंगे, ठीक है ना। तो आपको ग्राफ के लिए सबसे पहले मेजरमेंट की जरूरत है, ठीक है ना। मेजरमेंट किस तरीके से आप करेंगे, मैं आपको एक छोटी सी मेजरमेंट सिखा रही हूँ, ठीक है। हाउ टू ड्रॉ ग्राफ। ठीक है, आंसर क्या है? 7/5। ग्राफ क्या है? 7/5। राइट टू लेफ्ट। फाइव है आपके पास। अप टू डाउन। डाउन आपके पास, आपके पास 7 है, ठीक है। ईच बॉक्स 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपकी मेजरमेंट है ग्राफ की, ठीक है ना। इसके बाद हाउ टू ड्रॉ अ ग्राफ। ग्राफ किस तरीके से ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे देखिए। ठीक है, आपको पेंसिल और स्केल से, यस है ना, अपना माइक अनम्यूट कीजिए और क्वेश्चन कीजिए। है ना, डू यू हैव एनी क्वेश्चन बेटा? अनम्यूट योर माइक, अनम्यूट योर माइक बेटा। ओके, मैं कंटिन्यू करती हूँ अपना लेक्चर, ठीक है। आवाज आ रही है ना, तो आप अपना हाथ ऊपर कीजिए, हैंड रेस कीजिए अगर आवाज आ रही है तो। आई ओके, ठीक है बेटा। इसके बाद हमें क्या करना है बेटा, इसके बाद हमें 5 लाइंस ड्रॉ करनी है। हर बॉक्स जो है वो आपका तकरीबन 1 सेंटीमीटर का होगा और आपको सबसे पहले पॉइंट्स लगाना है, ठीक है। मैं यहाँ पे इस तरीके से अभी आप डॉट्स लगा सकते हैं, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से 1, टू, थ्री, फोर, सेंटीमीटर, क्या हो रहा है, ये आगे क्यों नहीं लाइंस जा रही है? अभी तो सही काम कर रहा था इससे पहली वाली क्लास में। ओके, डजंट मैटर।
बेटा ड्यूरिंग द वर्क स्टॉप रेजिंग द हैंड बेटा यस आना एनी प्रॉब्लम। अब इसके बाद क्या करना है, आपके पास जो वर्ड्स है बेटा वो ए बी सी डी है, ठीक है। अब ए के लिए आप लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरीके से आप लोग ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। तो आपको इस तरीके से ड्रॉ करना है, जैसे आपके पास ये है, आपको इसे कट करना है, ठीक है। सबसे पहले हमें किस तरीके से लाइन ड्रॉ करनी है, यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद सही है, सेंटर की लाइन आपकी थर्ड लाइन है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 सेंटर आपकी थर्ड लाइन है, ठीक है। ये देखें, आई बात समझ में, ठीक है। अब आप क्या करेंगी, इसी तरीके से इसको ठीक है, इसके नीचे वाली लाइन से आपको लेना है, ठीक है। यहां से आपने डबल किया, ठीक है बेटा। ठीक है, दिस इज अ ए, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आपके पास क्या होगा, आपके पास बी है, बी के बाद आपके पास, मैं आपको बता दे रही हूँ कितने वर्ड्स हैं आपके पास, आपके पास इस वक्त ए बी सी डी। इसी तरीके से ग्राफ बनाना है, ग्राफ बनाने के बाद आपको सबसे पहले मार्किंग करनी है, मार्किंग करने के बाद आपको ग्राफ के बॉक्सेस जो है वो सेलेक्ट करने हैं, कि क्योंकि मैं आपको पीडीएफ सेंड कर देती हूँ। पीडीएफ सेंड करने का मतलब है कि माशाल्लाह आप लोगों को काउंटिंग आती है, काउंटिंग आती है बेटा आप लोगों को, तो आप लोग काउंटिंग करेंगे बॉक्सेस की, कि आपने फर्स्ट पॉइंट कहाँ पे मार्क करना है, ठीक है ना। उसके बाद सेकंड पॉइंट कहाँ पे मार्क करना है, थर्ड आपको कहाँ से, और फिर उनकी ज्वाइनिंग करनी है। हर बॉक्स आपको जो है वो एक थिक बॉक्स के, यानी कि 1 सेंटीमीटर के बॉक्स के अकॉर्डिंग टू ही आपको मेजरमेंट करनी है, और 7 बाय 5 सेंटीमीटर का ही बॉक्स बनेगा, अप टू डाउन 7 होगा, राइट टू लेफ्ट 5 होगा, ठीक है। इसके
अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन होगा तो मुझसे पूछ दीजिएगा, क्योंकि मैं ए टू जेड यहाँ पे ग्राफिंग नहीं कर सकती, क्योंकि बिकॉज आपको पता है कि आपके पास इतना टाइम नहीं है ना ही मेरे पास है, तो आगे की जो मेजरमेंट है वो आपको पीडीएफ के जरिए जो है वो करनी होगी। ठीक है बेटा, पीडीएफ के जरिए आपको खुद जो है अंदाजा लगाना होगा कि मेजरमेंट, और आपको मेजरमेंट मैंने सिखा दी है, मेजरमेंट के अलावा मैंने आपको ग्राफ भी बना के बता दिया है, ग्राफ की मेजरमेंट भी लिख के दे दी है, उर्दू कैलीग्राफी की मेजरमेंट भी मैं आपको लिख के बता दे रही हूँ। ठीक है, अच्छा नंबर कैलीग्राफी की मेजरमेंट जो है वो सेम होगी। ठीक है, नंबर कैलीग्राफी की मेजरमेंट सेम होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको अगर वन बनाना है तो वन इसी तरीके से बनाना होगा। ठीक है, उर्दू कैलीग्राफी हमें कौन सी करनी है, उर्दू कैलीग्राफी करनी है, पीडीएफ आ जाएगा आपके पास। उर्दू कैलीग्राफी में आपके पास है, उर्दू कैलीग्राफी में मेरा प्यारा स्कूल, उर्दू कैलीग्राफी में आपको पीडीएफ में मेरा प्यारा स्कूल बनाना है, ये आपका होमवर्क होगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।